रवि किशन का आज जन्मदिन है और रवि किशन अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए पहुंचे दिव्यांगों के पास। रवि किशन भोलेनाथ के भक्त हैं, वो अपने नेक कामों के जरिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अलग अलग जगहों पे स्थानों पे जाना चाहिए। मैं बड़े खुशी खुशी यहाँ शाम को पार्टी है, लेकिन उन्होंने तो अरेंज ही नहीं किया। मैं यहाँ आने में ज़्यादा समय पर लगता है, लेकिन हम अब कड़ी नहीं सब बात इस मौके पर आपने कई बच्चों के गाने को पैलेंट भी देखा, क्या करना चाहिए उनको पैलेंट? बहुत अच्छी वो बच्ची ने गाया और मेरे बैंड सिंगिंग डेफिनेटली करेंगे, ऑर्केस्ट्रा में भी गाती है। ये सारे टैलेंट वैसे इन पर जब इनकी आँखें बंद होती हैं तो इनके इनके सारी सारी जितनी वेन्स ऑफ ब्रेन्स हैं, सारी जितनी इंद्रियां हैं, वो सारी खुल जाती हैं और आप शक्तिशाली हो जाते हो। तो ऐसे बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं। सोचिए ये लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, सोचिए ये लोग पढ़ाई करते हैं, और इनके इनका एक कंप्यूटर होता है जो इनको साउंड के साथ ऑपरेट करवाता है। पटाखे फूट रहे सर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके साथ ही आपने सर कहा है कि लड़की ने गाना गाया तो लता जी की जैसा आवाज़ है, क्या लगता है कि बॉलीवुड में इनका जगह मिल सकती है लोगों को किसी को? 100% और उसमें कोई डाउट नहीं कि उनको जगह नहीं मिलेगी और बहुत आगे जाएंगे बच्चे सारे। इसके साथ मेरा सर आखिरी सवाल है, सबसे पहले आपको आज विश किसने किया कुछ बताना चाहेंगे? हमको सबसे पहले विश किया हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने, जो मेरे लिए बहुत सुंदर है, जैसे कि मनोज तिवारी जी का है। इन अर्ली मॉर्निंग अगर सबसे पहला कॉल आया तो उन्हीं का है, तो वो बड़ा ही सुखदायक अनुभव रहा है। इसके बाद पूरी इंडस्ट्री, पूरे फैन, पूरा देश मुझे विश कर रहा है, तो ये बहुत ही कमाल का। तो दोस्तों के लिए कुछ पार्टी रखने वाले, अरेंज करने वाले काम को? हाँ, वो तो है सब सारा, सारे अच्छी के सारे दोस्तों को पता है हमारी पार्टी बड़ी आलिशान होती है। थैंक यू सर, हैप्पी बर्थडे आपको। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।